अस्सलाम वालेकुम आई यूट्यूब फैमिली। आज आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, मैं अपने किचन में नहीं हूँ, मैं आई हूँ बाहर नर्सरी, और आज है हमारा फर्स्ट व्लॉग। तो चलें देख लेते हैं, मैं यहाँ पर नर्सरी में आई हूँ, कुछ मुझे प्लांट्स लेने थे इसलिए मैंने विज़िट किया था नर्सरी का। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना वीडियो बना लूँ और आपको भी दिखाऊँ, तो आप देखते जाएँ और मज़े करते जाएँ। तो देखें यहाँ पर नर्सरी में जो हम आए हुए हैं, आजकल यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे कलरफुल प्लांट जो मतलब गमले होते हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, हर साइज़ के छोटे बड़े। तो मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, कलर्स इनके कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं सारे तो नहीं लूँगी, मैं कुछ लूँगी, तो अभी सिर्फ मैं विज़िट कर रही हूँ, फिर देखते हैं और बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ हमें इंडोर प्लांट्स दिखा रहे हैं, तो अम्मी को कुछ इंडोर प्लांट्स भी चाहिए थे, देखते हैं क्या लेती हैं वो। यहाँ पर कुछ बेल वगैरह लेनी है, एलोवेरा लेना है और किचन गार्डन बनाना है। वैसे तो हमें तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम यहाँ गए तो हमने विज़िट किया, अम्मी और भाई साहब डील भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर क्या क्या वेराइटी है प्लांट्स की, आपको नज़र तो आ रहा होगा और आप इन्जॉय भी कर रहे होंगे अपने मन। जी तो यहाँ पर रात होने को आई है और अंधेरा हो चुका है, हमने यहाँ पर प्लांट्स की शॉपिंग कर ली, पॉट्स खरीद लिए। ठीक है जी, मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ, हो सकता है तो मैं घर जाते ही दिखा दूँगी, नहीं तो मैं दिन के टाइम पे आपको दिखाऊँगी। तो चलें हम घर जाते हैं, जब तक आप जो भी व्यू है इसको इन्जॉय करें, ग्रीनरी देखें और अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाएँ। तो देखें जी यहाँ पर हमारा अगला दिन हो गया है, नर्सरी से आ गए थे हम, तो मैं रात को अंधेरा हो गया था, मैं बना नहीं सकी, तो मैंने यहाँ पर लिए जी, देखें ये चार अदद बड़े साइज़ के गमले, ये देख सकते हैं साइज़ ये मैंने लिए हैं, और जो है इसमें मैं प्लांटिंग करूँगी। तो मैं वैसे मुझे किचन की सब्जियाँ वगैरह प्लांट करनी है, तो मैं उसी लिए लाई हुई है, तो मैं वही प्लांट करूँगी। साथ ही मुझे एक ये क्यारी अच्छी लग गई थी, मेरे और मेरी अम्मी को नया नया शौक चढ़ा है भाई ये सब्जियों वाला, तो हमने ये क्यारी ली है, इसमें हम कुछ देखते हैं क्या तैयारी करते हैं, अब वही हम आए हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर ली है बेल, तो ये हमने ली है एक तीन है, लेकिन ये एक ही तरह की है, इसमें कोई इस तरीके का फ्लावर जो है वो आएगा, ये इतना खूबसूरत सा ब्लू कलर का फ्लावर है, ये आएंगे इसके अंदर, तो ये बेल ली है हमने, इसको भी हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर और एक खूबसूरत सा यहाँ पर मैंने लिया है, ये देखेंगे इतना प्यारा सा बास्केट स्टाइल में है ये बास्केट, तो मैंने अभी सिर्फ इनको धोया है बस, अब इसके अंदर मट्टी वट्टी हम सेट करते हैं। मट्टियाँ और छत पे मैं मौजूद हूँ, एक हमने एलोवेरा का पौधा भी लिया है, वो नीचे है, छत में नहीं लाई, धूप में ख़राब हो जाता है इसलिए। और बस अब मिट्टी तैयार करते हैं, खाद डालते हैं, फिर मैं आपको प्लांट करके भी दिखाती हूँ।
तो देखें यहाँ पर मैंने भाई दोनों सेट कर लिए हैं, ये भी और ये वाली बेल भी, दोनों इसमें मैंने दो लगा दी है और इसमें मैंने एक लगा दी, स्पेस कम थी तो जिसमें फूल था वो मैंने इसमें लगा दिए भाई, अब इसमें ताकि मैं रखूँगी तो अच्छा लगे क्योंकि फूल इसमें, और बाकी ये मैंने रेडी कर ली है, बाकी मैं और गमले भी तैयार कर लूँगी, क्या पता मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी मैं सीडलिंग कैसे करूँगी, अदरवाइज नहीं भी दिखाऊँ ये भी हो सकता है, पूरा प्लांटिंग करके बाद में आपको अपने गमलों की पिक्चर्स अपडेट कर दूँगी अपने पेज पे। तो यहाँ पर जो है मैंने प्लांटिंग कर ली है, बाकी पौधों में मिट्टी डाल लेते हैं, साथ साथ ही हम कुछ बीज भी डालेंगे घर से ही, और कुछ बीज जो है मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं तो वो आएंगे, मैं वो डालूँगी ठीक है जी। तो फिर हमारा कुछ जब कुछ ग्रो करना शुरू होगा, अगर हम कामयाब हो गए तो मैं फिर एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, फिर ब्लॉग बनाऊँगी, जब तक आप इसको इन्जॉय करें देखें और इस फूल को देखते जाएँ, बस कितना प्यारा लग रहा है। तो देखें यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में जो कि हमारी रेसिपी वीडियो होगी ठीक है जी, मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।